हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया तय। वायरल वीडियो में स्कूल में पोछा लगाते सब्जी काटते दिखी छात्राएं, होगी जांच। सरकारी नौकरी वन दरोगा के 701 पदों के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन। विद्यालय के निरीक्षण आख्या और शिक्षक पर कार्रवाई। विडम्बना, सत्र शुरू और अब किताबें छापी जा रही। आर्थिक आरक्षण पहले छात्रवृत्ति जैसे उपाय करें सुप्रीम कोर्ट। अभ्यक्षा तय करने में बच्चों का हित हो सर्वोच्च प्राथमिकता। होमवर्क न करने पर शिक्षक ने छात्रा को पीटा, परिजनों ने थाने में की शिकायत। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ एडेड माध्यमिक कॉलेजों में सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। इसमें सबसे सरप्लस शिक्षक वह होगा जिसने सबसे बाद में स्कूल में कार्यभार ग्रहण किया हो। हालांकि कुछ श्रेणियों के शिक्षकों को इससे छूट दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिन स्कूलों में शिक्षक कम हैं वहां इन्हें स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एडेड कॉलेजों के सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के निर्देश दिए थे। प्रदेश में लगभग 4500 सहायता प्राप्त स्कूल हैं। काफ़ी वर्ष पहले सरकार ने यहाँ जनशक्ति निर्धारण करवाया था। इन स्कूलों में छात्र संख्या कम हो गई लेकिन पद पहले की संख्या के आधार पर ही रहे। अब जिन स्कूलों में शिक्षक कम हैं वह विषयवार सूची तैयार करेंगे ताकि उन्हें बच्चों की संख्या के मुताबिक शिक्षक मिल सकें। सरप्लस शिक्षक के निर्धारण के लिए सबसे बाद में आने वाले यानी लास्ट कम फर्स्ट आउट के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। लेकिन इसमें स्वयं या पति पत्नी को कैंसर, एड्स, किडनी, लीवर जैसी असाध्य बीमारियों से ग्रसित होने या फिर विधवा या विधुर शिक्षक जिन पर बच्चों के पालने की जिम्मेदारी हो, सेना, वायुसेना समेत अन्य बलों में कार्यरत लोगों के जीवन साथी और विवाहित महिला शिक्षक जिसका बच्चा आर्टिस्टिक से पीड़ित हो, तो उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। इन सभी के लिए निर्धारित प्रमाण पत्र लगाने पर ही छूट दी जाएगी। प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। वहीं मंडल स्तर पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में मंडल स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। वायरल वीडियो में स्कूल में पूछा लगाते सब्जी काटते देखी छात्राएं, होगी जांच। लखीमपुर बीसी शिक्षा विभाग के स्कूल का वीडियो बीएसए के सामने पहुंचा। इस वीडियो में कुछ छात्राएं सब्जी काटती दिखाई दी जबकि एक छात्रा स्कूल के फर्श पर पोछा लगा रही थी। इस मामले में बीएसए ने जांच बढ़ा दी है। उधर बीईओ बेहजम ने जांच कर आख्या बीएसए को दी। इसमें कहा कि छात्राएं अपनी मर्जी से काम कर रही थी, उनको किसी ने ऐसा करने को नहीं कहा था। बीएसए शिक्षा विभाग के स्कूल का या वीडियो बेहजम ब्लॉक का बताया गया है। बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी नौकरी वन दरोगा के 701 पदों के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन। वन दरोगा के 701 पदों के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन। लखनऊ विशेष संवाददाता उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर से आवेदन लेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर और संशोधन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है। आयोग के सचिव अवनी सक्सेना के मुताबिक आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पीटी में शामिल होने वाले ही पात्र माने जाएंगे। सभी वर्गों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹25 रखा गया है। आवेदन के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु वाले पात्र होंगे। अनारक्षित वर्ग के 288, अनुसूचित जाति 160, अनुसूचित जनजाति 20, अन्य पिछड़ा वर्ग 163 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 70 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 14, महिला 140, भूतपूर्व सैनिक 35 और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 14 पद आरक्षित हैं। यूपी की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यह आदेश दोस्तों प्रेसांग खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड अफजलगढ़ सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बिजनौर का है। निरीक्षण आख्या विषयक महोदय, उपर्युक्त विषयक अंतर विकास खंड निरीक्षण 19/19/2022 को अधो हस्ताक्षर द्वारा प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीन नगर, उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीन नगर तथा सम्मिलन विद्यालय हल्लोवाली विकासखंड कोतवाली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीनपुर में कार्यरत 2 अध्यापकों में से 1 अध्यापिका उपस्थित तथा प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वीकृत अवकाश पर पाए गए। विद्यालय में प्रधानमंत्री पोषण योजना का विधिवत रूप से संचालन नहीं पाया गया। छात्रों द्वारा सोमवार के दिन फल वितरण होने की बात तो कही, परंतु नियमित एमडीएम में प्रत्येक बुधवार को दूध ना पिलाने की बात भी कही गई। विद्यालय में एमडीएम कभी नहीं बनने की बात प्रकाश में आई। उपस्थित सहायक अध्यापक श्रीमती छाया चौधरी द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय के छात्र निकट के प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीनपुर में खाना खाने जाते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आज वहां जाकर कितने बच्चों ने खाना खाया तो मात्र 4 बच्चों की संख्या बताई गई जबकि विद्यालय में छात्र उपस्थित 44 थी। इस संबंध में प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीन नगर की प्रधानाध्यापक श्रीमती संगीता गौतम को बुलाकर जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यदा कदा ही 2-4 बच्चे खाना खाने मेरे विद्यालय पहुँच जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीन नगर की छात्र उपस्थित 118 थी। उनके द्वारा बताया गया कि आज लगभग 100 बच्चों का खाना बनवाया गया है। उपरोक्त स्थितियों के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीन नगर में एमडीएम संचालन की स्थिति संदिग्ध प्रतीत होती है तथा सम्मिलित विद्यालय
हेलो वाली के प्रधानाध्यापक श्री भगत सिंह द्वारा श्रीमती संबिता अंजुम सहायक अध्यापक का 16/9/2022 को उपस्थित काल अमृत रखकर 19/9/2022 को 16/9/2022 की तिथि का समाधान किए बिना ही अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है। उपरोक्त में उच्च प्राथमिक विद्यालय कमरुद्दीन नगर के प्रधानाध्यापक तथा संविलियन विद्यालय हल्लोवाली के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु व श्रीमती सविता अंजुम सहायक अध्यापक के एक दिन के वेतन कटौती हेतु आखिर आपकी सेवा में सादर प्रेषित है अजय कुमार खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड अफजलगढ़। मुख्यमंत्री 24 को आएंगे प्रयागराज। प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 सितंबर शनिवार को प्रयागराज में रहेंगे। सीएम सांसद विनोद सोंदर के पिता की तैयारियों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं। सीएम का कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि शनिवार को मुख्यमंत्री आएंगे। विडम्बना सत्र शुरू और अब किताबें छापी जा रही है। अंग्रेजी माध्यम के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। शैक्षिक सत्र शुरू हुए 6 महीने को होने को लेकिन अभी तक कक्षा 1 से 8 तक की किताबें नहीं छपी हैं। अब छपाई शुरू हुई है। किताबें ना होने से बच्चों की पढ़ाई पिछड़ रही है। स्कूलों में त्रैमासिक परीक्षा अगले माह होनी है। ऐसे में बिना किताबों के बच्चे परीक्षा देंगे। लखनऊ सीतापुर बाराबंकी रायबरेली उन्नाव समेत पूरे प्रदेश में अभी तक अंग्रेजी माध्यम की किताबों का वितरण नहीं हुआ। किसी स्कूल को नहीं मिली किताबें। लखनऊ में अंग्रेजी माध्यम के 165 प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं। इनमें करीब 20,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों को अभी तक एक भी किताब नहीं मिली है। शिक्षक लगातार बीएसए कार्यालय से किताब की मांग कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। किताबें न मिलने से बच्चों के साथ अभिभावक भी परेशान है। वहीं शिक्षा विभाग जिले के बीएसए को भेजकर किताबों का सत्यापन करा रहा है। कुछ किताबों के नमूने भेजे हैं। समस्या प्रदेश के किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पहुंची किताबें। लखनऊ के प्राइमरी जूनियर 165 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई। सभी स्कूलों में पुरानी किताबों से शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम की जो किताबें मिली हैं उन्हें वितरित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को भेजा है। सभी को निर्देशित किया गया है किताबों का जल्द वितरण कराएं। अरुण कुमार बीसे लखनऊ। नई दिल्ली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को भी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने गरीबी को स्थायी करार देते हुए कहा कि आरक्षण देने के बजाय शुरुआती स्तर पर ही छात्रवृत्ति जैसे विभिन्न सकारात्मक उपायों के जरिए बढ़ावा दिया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण शब्द के सामाजिक और वित्तीय सशक्तिकरण के संबंध में भिन्न भिन्न निर्धारित हैं और यह उन वर्गों के लिए होता है जो सदियों से दबे कुचले होते हैं। मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि सदियों से जाति और आजीविका के कारण प्रताड़ित लोगों को आरक्षण दिया जाता रहा है और सरकार आरक्षण के मसले में फंसे बिना अगड़ी जातियों में ईडब्ल्यूएस समुदाय को छात्रवृत्ति और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं दे सकती थी। पीठ ने कहा कि जब यह अन्य आरक्षणों से संबंधित है तो यह वंश परंपरा से जुड़ा हुआ है। यह पिछड़ापन कोई अस्थायी चीज़ नहीं है बल्कि यह सदियों और पीढ़ियों तक चलता रहेगा लेकिन आर्थिक पिछड़ापन अस्थायी हो सकता है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 130वें संविधान संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा एससी एसटी और ओबीसी के लिए उपलब्ध 50% आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना दिया गया है और संवैधानिक संशोधन के निर्णय की संसदीय बुद्धिमत्ता को रद्द नहीं किया जा सकता बशर्ते यह स्थापित किया जाए कि संबंधित निर्णय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहस खत्म करें। याचिकाओं पर सुनवाई लगभग समाप्त ही होने वाली थी लेकिन कुछ याचिकाकर्ताओं ने बहस के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का फैसला किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ इस मामले को पिछले 5 दिनों से सुन रही है। केंद्र सरकार ने इस मामले में दलीलें पूरी कर ली है। केंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देखना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी को दिया गया आरक्षण एक बराबरी पर लाने का प्रयास है। जो गरीबी के कारण पीछे छूट रहे हैं ये वे लोग हैं जो अनुच्छेद 15(4)(5) के तहत दिए गए अन्य आरक्षण एससी एसटी और ओबीसी का लाभ नहीं ले सकते। सरकार ने संविधान में 123वां संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीबों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया। इस आरक्षण को संविधान के विरुद्ध बताते हुए लगभग 40 याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार यह आरक्षण नहीं दे सकती क्योंकि यह जाति आधारित आरक्षण है जो सवर्ण गरीबों को दिया जा रहा है। इसके लिए इस आरक्षण से आरक्षण देने की अधिकतम 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है। इंदिरा सैनी केस में सुप्रीम कोर्ट आरक्षण की सीमा 50% तक की थी जिसे संविधान का बुनियादी ढांचा करार दे दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ा जा सकता। अभिरक्षा तय करने में बच्चे का हित हो सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का निर्णय करते समय न्यायालय के समक्ष बच्चे का हित देखना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। ऐसा करने में कोई कानून न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने अपनी माँ से अलग पिता के साथ रह रहे 7 साल के ग्रंथ वर्मा की अभिरक्षा उसकी माँ को देने के संबंध में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कहा बच्चा अपने पिता के साथ खुश है और उसका पालन पोषण भी अच्छे से हो रहा है इसलिए जब तक इस संबंध में कोई सक्षम न्यायालय विपरीत आदेश न करे उसके पिता के साथ ही रहने दिया जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने ग्रंथ वर्मा की ओर से उसकी मां आशी वर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मां ने आरोप लगाया था उसके बेटे ग्रंथ वर्मा का पिता गौरव वर्मा ने अपहरण कर लिया है। मांग की गई कि बच्चे को उसके पिता की कस्टडी छुड़ाकर मां की सुपुर्दगी दिया जाए। माता व पिता विवाद के कारण अलग अलग रह रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 7 साल के ग्रंथ वर्मा को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
कोर्ट ने ग्रंथ वर्मा से सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न पूछे जिसका उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से जवाब दिया। बच्चा अपने पिता के साथ खुश था, लेकिन उसने कोर्ट के सामने इच्छा जताई कि वह अपने माता पिता व छोटे भाई के साथ एक परिवार की तरह रहना चाहता है। उसने कहा कि वह अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर अपने घर जाना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि बच्चे की अपेक्षा का निर्णय करते समय न्यायालय पेरेंट्स एंड गार्जियन के विधिक अधिकारों से बंधा नहीं है। ऐसे मामलों में बच्चे का ही सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बच्चे से बात करने पर ऐसा लगा कि उसकी देखभाल अच्छे से हो रही है और वह अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। कोर्ट ने बच्चे को उसके पिता के पास ही रहने देने का आदेश देते हुए कहा कि माँ अपने बेटे से प्रत्येक रविवार को मिल सकती है और पिता ऐसा करने से उसे रोकेगा नहीं। कोर्ट ने माता पिता को यह भी नसीहत दी कि वह बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे, साथ ही बच्चों के हित व भविष्य को देखते हुए आपसी विवाद सुलझाने का प्रयास करेंगे। प्रतापगढ़ स्कूल का होमवर्क पूरा न करने पर शिक्षक ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसके शरीर पर चोट के निशान देख परिजन भड़क उठे। आक्रोशित परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के जयचंदपुर गांव निवासी सोनी सोनकर की बेटी लता सोनकर अवसानगंज बाजार स्थित रजा कॉन्वेंट स्कूल में कक्षा 5 की छात्रा है। सोमवार को विद्यालय में शिक्षक ने उसे गृहकार्य करने के लिए दिया था। घर जाने के बाद छात्रा की तबियत खराब हो गई। उसने वहां गृहकार्य पूरा नहीं कर पाई। मंगलवार को जब वह विद्यालय पहुंची तो बच्चों को काफी शिक होने लगी। लता ने शिक्षक मोहम्मद आमिर से बताया कि तबियत खराब होने के कारण होमवर्क नहीं कर सकी। आरोप है कि शिक्षक ने डंडे से छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी। छुट्टी के बाद छात्रा अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने जब उसका हाल देखा तो दंग रह गए। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान मौजूद थे। छात्रा की मां सोनी ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ संग्रामगढ़ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने छात्रा के शरीर पर चोट को देखते हुए मेडिकल के लिए भेज दिया। संग्रामगढ़ पुलिस का कहना है कि छात्रा का मेडिकल कराया जा रहा है, जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर आरोपी शिक्षक का कहना है कि होमवर्क न करने के चलते भावावेश में छात्रा की पिटाई हो गई। इसके लिए उसके परिजनों ने क्षमा भी मांग ली गई है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा आज की ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।